नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं रंजीत, नहीं, मुझे और मजबूर मत करो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। भूल जाओ वो सपने जो हमने कभी देखे थे। मेरे माँ बाप का दिल टूट चुका है। इस वक्त उन्हें बेटे की जरूरत है और वो बेटा सिर्फ मैं ही बन सकती हूँ। हम दोनों एक साथ मिलकर भी तो इस जिम्मेदारी को उठा सकते हैं। नहीं रंजीत, मैं तुम्हारे रास्ते में खुशियां बिखेरना चाहती हूँ, तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बनकर आना चाहती हूँ। तुम पर बोझ बनकर अपने प्यार का अपमान नहीं कर सकती। गीता, एक दूसरे का दुख बांटने से प्यार का अपमान नहीं होता, बल्कि जिंदगी और भी खूबसूरत बन जाती है। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ही गाड़ी के दो पहियों को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास होता है। रंजीत, मैं अपने माँ बाप को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो शादी के बाद बेटी के घर का पानी भी उनके लिए जहर बन जाएगा। वो बेसहारा हो जाएंगे और मैं बट जाऊंगी। न मैं इधर की रहूंगी ना उधर की। रंजीत, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने दो। पिताजी नौकरी से रिटायर होने वाले हैं, मकान गिरवी पड़ा है और सर पर कर्जे का पहाड़ है। पिछोरी का कर्जा माफ कर दो। जी डैडी, तुम उसे कैसे जानते? जी वो गीता किशोरी लाल जी की बेटी है। वही गीता किशोरी लाल की लड़की? जी हाँ। ओ समझा, तो तुम अपने प्यार की कीमत अदा करना चाहते हो, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत? वो है। नहीं डैडी, आप गलत समझ रहे हैं। वो लोग मुसीबत में हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। अरे ये तो और भी अच्छा है, इंसान को इंसान के काम आना ही चाहिए। लेकिन बेटे, अपना घर जलाकर दूसरों के घर में रोशनी करना, ये कहाँ की अकलमंदी है? रंजीत, जिंदगी नाम है लेने और देने का। तुम उनका कर्जा माफ कर दो और मैं माथुर साहब को खुशखबरी भेज देता हूँ कि रंजीत देवी से मिलने आ रहा है। मान गए डैडी, सौदेबाजी में आपका जवाब नहीं। और तो और, बेटे की खुशियां और जज्बात भी दौलत के तराजू में तोल डाले। साहेबजादे, मत भूलो कि दुनिया में हर चीज दौलत के तराजू में तुलती है। इज्जत, धर्म, मान, मर्यादा सब दौलत के गुलाम है। आप में और मुझ में यही तो फर्क है डैडी। आप दौलत के गुलाम हैं, मैं इंसानियत का। कौन सी इंसानियत जो किसी वक्त भी चंद सिक्कों के अवज खरीदी जा सकती है? नहीं डैडी, इंसानियत किसी भी कीमत पर खरीदी नहीं जा सकती। हाँ, कुछ बदकिस्मत लोग इसे बेच जरूर देते हैं। रंजीत, माफ कीजिएगा डैडी, दुनिया औलाद को अपनी दौलत समझती है, मगर अफसोस आप दौलत को अपनी औलाद समझते हैं। बेशक दौलत ही मेरी औलाद है, जो तुमसे ज्यादा फरमाबरदार और तुमसे ज्यादा वफादार है। तो फिर मुबारक हो आपको ये कागजी औलाद। इस सोने के पिंजरे में मैं अब और कैद नहीं रह सकता। माफ कीजिए सेठ जी, मैं इस घर की नौकरानी सही, मगर ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। हट जाओ। मैं जा रहा हूं, मगर इतना कह जाता हूं, जब आपके ये फरमा बरदार और वफादार बेटे आपको धोखा देके चले जाएं, तो इस बदतमीज और नालायक बेटे को याद कर लीजिएगा। तुम कहां जा रही हो? मैं अपनी दौलत के साथ जा रही हूं सेठ जी। दादा बन गए और मैं मोसा बन गया। मुबारक हो, बजरंग बहादुर नाना बन गया। नाना तवा खेती बधाई।
लाल झूले लाल। किशोरी लाल जी, अगर आप मेरे लिए सब कर दें तो मैं आपका सारा कर्जा माफ कर सकता हूँ। सेठ जी, आपसे ज्यादा तो मैं अपनी बेटी का कर्जदार हूँ। आप नहीं जानते उसने अपने बाप का कहाँ कहाँ हाथ बटाया है। मुझे माफ कीजिए सेठ जी, मेरी जान भी चली जाए मैं अपनी बेटी के खुशियों के बीच कभी नहीं आऊंगा। यह आपका आखिरी फैसला है? सेठ जी, मैं तो आपसे भी हाथ जोड़कर कहूंगा कि उन दो मासूम दिलों के बीच दीवार न बनिए। किशोरी लाल जी, मैंने आपको यहां नसीहत करने के लिए नहीं बुलाया। ये नसीहत नहीं सेठ जी, मेरी विनती है। इसका अंजाम जानते हो? जानता हूं सेठ जी। बेटी का कर्ज चुकाने से पहले मुझे आपका कर्ज चुकाना पड़ेगा। शेठ मायादास जी की चाल को मारो गोली। असल बात यह है कि ये रुपया प्रकाश के लिए उठाया गया था, उसे ही चुकाना चाहिए। बहादुर ठीक कह रहा है, तुम उसे साफ साफ बात क्यों नहीं करते? कई बार तो बात कर चुका हूँ। क्या तुम चाहते हो कि लड़के से भीख मांगू? भीख मैं नहीं मांगूंगा। आप घबराइए नहीं जीजा जी, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। बहादुर मामा, तुम यहाँ कैसे? मैं तो ऑफिस आ ही रहा था। बात घर की थी साहब, इसलिए घर ही में आना पड़ा। अरे रामू, रुक जा। बोलो क्या बात है? तब से आप अलग रहने लगे हैं, उस घर की रौनक ही चली गई। महीनों से वहां किसी को हंसते हुए नहीं देखा, और वो सेठ भी अपने पैसे वापस मांग रहा है। साहब, आपके माँ बाप ने ऐसा कौन सा पाप किया है तो आप उनको इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? आप अपने फर्ज से आंखें क्यों चुरा रहे हैं साहब? तुम कौन होते हो हमें हमारा फर्ज याद दिलाने वाले? अगर उस घर वालों ने तुम्हें मुंह लगा रखा है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम हमारे सर पे भी सवार हो जाओ। बहू? बहू? किसकी बहू? ज़बान खोलने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए कि तुम किससे बातें कर रहे हो। तुम्हारी औकात क्या है? ये मत भूलो कि तुम उस फैक्ट्री में एक मामूली चौकीदार हो जिस फैक्ट्री के सबसे बड़े ऑफिसर हैं। अगर मेरी नौकरी हमारे रिश्ते के बीच आ रही है तो ये रही नौकरी। अब एक चौकीदार नहीं, एक मामा अपने भांजे से पूछता है कि कहां गई तेरी गैरत, कहां गया तेरा प्यार, एक औरत की खातिर अपने देवता स्वरूप माँ बाप को भूल गया जोरू के गुलाम। बहादुर, तमीज से बात करो। मत तमीज, मुझे तमीज सिखाता है। जंगली वैशी, तेरी ये हिम्मत? रामू जगो, निकाल दो इस जानवर को धक्के मार के बाहर। याद रख प्रकाश, तूने अपने माँ बाप को दुख दिया है, अपनी देवी जैसी बहन का दिल दुखाया है, तो भी जिंदगी में कभी सुख नहीं पाएगा। ना बोले अब क्या होगा बहादुर? घबराओ नहीं लाजो, मैं गांव जाकर अपनी जमीन बेचकर आता हूँ। अरे पगले, इतनी सी जमीन बेचकर क्या ये समस्या हल हो जाएगी? कुछ तो बोझ हल्का होगा ना। बहादुर, तू इस घर के लिए कितना कुछ करेगा? राजो, इस घर के लिए मेरी चमड़ी भी काम आ जाए ना तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। अगली इस दुनिया में मैं और है ही कौन। अच्छा, मैं जाता हूं। गीता दीदी, लो चाय पी लो। क्या लिख रही हो बेटी? एक बहुत बड़ी नौकरी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं मुझे। अगर ये नौकरी मिल गई ना तो हमारे घर के सब कष्ट दूर हो जाएंगे।
हौसला रखो बेटी, भगवान सब ठीक कर देंगे। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? साहब, आपको सुनकर ये खुशी होगी कि आपके श्री रंजीत कुमार को 5-star होटल में 500 रुपीज अ मंथ की शानदार नौकरी मिल गई। बोलिए साहब, क्या लेंगे आप? चिकन टिक्का, चिकन कबाब, चाय कॉफी, लेमन लिमका? गीता, तुम्हें खुशी नहीं हुई? रंजीत, मेरी वजह से तुम कहां से कहां आ गए। तुमने सच कहा गीता, तुम्हारी वजह से मैं एक झूठी और बनावटी दुनिया छोड़कर असलियत और सच्चाई की दुनिया में आ गया हूं। अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। तेरा बेटा 100 साल जिए, फूले और फले। अरे मुन्ने, तू आ गया? आजा आजा आजा, रोते नहीं। हाय लाला, मेरे मुन्ने के। आज साहिब के जन्मदिन की पार्टी एक बहुत बड़े होटल में मनाई जा रही है, आप सबको बुलाया है। वाह मेरे बेटे, गौर की तरह मुझे भी कार्ड भेज दिया, खुद नहीं आया। तू चले जाना बेटी, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, आज खुशी के दिन पर अगर हम में से कोई भी नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे? तू चली जा। हाँ चली जा, ला जा मुन्ने को जरा ला। देखो 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 कौन है। अरे मेरे मुन्ने, अरे वारे मेरे मुन्ने। प्रकाश, ये मेरी फ्रेंड रूपा है। थैंक यू वेरी मच। बड़ी शानदार पार्टी, मजा आ गया। अरे साईं, अभी पहले बैठो नी, कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे, पीछू पार्टी का मजा आएंगे। भाई एक्सक्यूज मी। भाई रंजीत, तुम इस होटल में काम करते हो? जी जुबानी से। मेरी बात मानो, गुस्सा छोड़ दो, घर चले चलो। आप क्या लेंगे जुबानी से? What would you like to order, sir? शर्म नहीं आती तुम्हें? What would you like to order, sir? पढ़ा जाए यहाँ से। आप क्या लेंगे सेठ जी? 2 नींबू पानी। थैंक यू सर। थैंक यू। पुरी साहब के लड़के हैं। ओ मैडम मटुंगा वाले भैया। अरे गीता, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते भाई। ओ महाजन साहब, आइए 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 आइए। थैंक यू वेरी मच। अरे गीता, अरे भाई इधर आओ नी, आओ आओ। कैसे हैं मिस्टर जुमानी? फर्स्ट क्लास जी, फर्स्ट क्लास। जी ये है मिस गीता, अपने प्रकाश की बहन, वेरी नाइस गर्ल। और मिस गीता, आप हैं सेठ मायादास जी। नमस्ते। गीता, मैं तुम्हारी राह देख रहा था, आओ। नहीं रंजीत, मैं चलती हूँ। पागल मत बनो, आज तुम मेरी मेहमान हो, आओ। मैडम, क्या पियेंगी आप? रीना, ये क्या चीज है? तुझे नहीं मालूम? भाई वाह, जोड़ी खूब जमेगी। एक जूतियां बेचती है, दूसरा रोटियां बेचता है। वन कोको कोला, जल्दी। यस मैम। रीना, प्रेजेंट्स तो सबने लिए, कमाओ बहन ने अपने भाई को क्या दिया? शर्मिंदगी का पसीना पोंछने के लिए चंद रुमाल। अरे भाई, इसमें हंसने की क्या बात है, और लाती भी क्या, बेचारी गरीब है। जिस 2 टके की छोकरी ने
मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मेरा चैन छीन लिया, मुझे एक पागल बना दिया। अब मैं भी उसे पागल बनाकर छोड़ूंगा। मगर वो कैसे सेठ जी? किसी तरह भी ये इंजेक्शन उसे लगा दो, इसके लगते ही वो पागलों की तरह सड़कों पर घूमती फिरेगी, भटकती फिरेगी, ना जिंदों में रहेगी ना मुर्दों में। ये लो। मैं सब समझ गया सेठ जी। आप गीता बोल रही हैं? रंजीत का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? वो नेशनल पार्क रोड पर बेहोश पड़ा है। मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? रंजीत का नेशनल पार्क रोड पर एक्सीडेंट हो गया। ओह माय गॉड। चलो तुम अकेली मत जाओ। छोकरियो तुम सब लोग साथ में जाओ। लो जूली ये मेरा चाबी लो। कम ऑन कम ऑन हरी अप गर्ल्स, गो विद अस। ओह माय गॉड, Yes. जिसके लिए तड़प कर तुम यहाँ तक आई हो, अब वो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए तड़पेगा। गुड इवनिंग। तुम कहाँ से आए? मैं कहाँ से आया? हाँ, तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था। मेरा एक्सीडेंट हो गया था? हाँ। लग गया इंजेक्शन। लग गया? इधर लग गया, इधर लग गया। अपने मालकों को मालता है। बोला नौटी हो गया है। बिजू, 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 क्या बिजू, क्या हुआ तुम्हें? बिजू है? क्या होगा तुम्हें? बताऊं बहन जी, सेठ जी ने कहा है अगर परसों तक रकम नहीं लुटाई गई तो उन्हें ये मकान मजबूरन नीलाम करवाना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, बस 15,000 रुपए। ब्यूटीफुल। कौन? माँ तुम?
तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम आई हो। आओ आओ, आओ। मां तुम उस दिन पार्टी में क्यों नहीं आई? बड़ी शानदार पार्टी थी। गीता ने तुमको बताया होगा। मां पिताजी कहाँ हैं? दो तीन दिन से फैक्ट्री में भी नजर नहीं आए। प्रकाश बेटे, मैं तुझसे अपने सुहाग की भीख मांगने आई हूं। ये तुम क्या कह रही हो मां? तेरे पिता जिंदगी की लड़ाई से थक हार कर बीमार पड़ गए हैं। अगर परसों तक कर्जा नहीं चुकाया गया तो मकान नीलाम हो जाएगा और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर और कुछ नहीं कर सकता तो मुझे उधार ही दे दे। मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करके तेरा एक एक पैसा चुका दूंगी बेटे, एक एक पैसा चुका दूंगी। कैसी बातें कर रही हो मां? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, हम उस पुराने मकान को बेच क्यों नहीं देते? मैं ठीक कह रही हूँ माँ जी, वो मकान हम सबके लिए एक मुसीबत बन गया है। उसे बेच देने से कर्ज भी उतर जाएगा और आप लोगों के पास कुछ रुपए भी बच जाएंगे। हाँ माँ, रीना ठीक कह रही है। शाबाश बेटी, माँ बाप की बरसों की चिंता तूने एक ही पल में दूर कर दी। क्यों रे, आज तू उस मकान को बेचने के लिए कह रहा है जिसकी एक एक ईंट में तुम्हारे पिताजी का खून पसीना मिला हुआ है, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा बचपन बीता, तुम जवान हुए, उस मकान को बेचने के लिए कह रहा है जिस मकान के कंधों ने तुम्हारी पढ़ाई का सारा बोझ उठाया। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। माँ जी, आपने इन्हें पढ़ाया लिखाया तो कौन सा एहसान किया या ऐसी कौन सी नई बात करती? दुनिया में ऐसा कौन है जो अपनी औलाद के लिए ये सब कुछ नहीं करता? हम भी अपने बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन ये मत भूलिए माँ जी कि औलाद के लिए सब कुछ करना माँ बाप का फर्ज है, लेकिन उनसे किसी किस्म की उम्मीद रखना ये माँ बाप का अधिकार नहीं। तुम ठीक कह रही हो बहू, मैं गवार अनपढ़ इन बातों को नहीं समझ सकी, इसलिए तुम लोगों के आगे झोली फैलाई चली आई। मुझे माफ कर देना बेटे, भगवान भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। माँ जी, हम उस पुराने मकान को बेच क्यों नहीं देते? वो मकान हम सबके लिए एक मुसीबत बन गया है। हम उस पुराने मकान को बेच क्यों नहीं देते? हम उस पुराने मकान को बेच क्यों नहीं देते? हम उस पुराने मकान को बेच क्यों नहीं देते? जल्दी से पट्टी खोलिए डॉक्टर साहब, अब मैं इस अंधेरे से घबरा गई हूं। बहुत दिनों से किसी को देखा नहीं है ना। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता डॉक्टर साहब। देखने की कोशिश कीजिए। कुछ भी तो नहीं दिखाई देता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे कुछ नजर नहीं आता डॉक्टर साहब, कुछ नजर नहीं आता। डॉक्टर, मुझे अफसोस है कि इनकी आंखों की रोशनी जाती रही। मां, यह सब क्या हो गया? होने को कौन टाल सकता है बेटी, ये मुझे भागन के कर्मों का फल होगा जो मेरे सामने आया। प्रकाश के पिता, मुझे अपने घर ले चलो, यहां मेरा जी नहीं लगता। मां, वो घर अब हमारा नहीं रहा। गीता,
चलो अच्छा हुआ। प्रकाश बेटे अब तुम्हारी ये चिंता भी दूर हो गई। चुप क्यों हो बेटे, कुछ तो बोल। अब तो आंख की शर्म का सवाल भी पैदा नहीं होता। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।